वेलकम बैक एवरीबॉडी, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। सबकी सोच में बजट पे बातचीत हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पे क्या मौकिफ है, वो जानने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया शायद खटक साहब ने। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं बजट आने के बाद? बजट जो लाने वाले खुद नहीं खुश, हम क्या खुश होंगे? आप अच्छा चले, वो नहीं खुश, लेट्स से आप लोग क्यों नहीं खुश, क्या मसला है? जी देखिए, इनके पास मैंडेट किधर है बजट पेश करने का? अवाम ने तो उनको वोट नहीं दिया था, अवाम ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था। हाँ। फॉर्म 47 के ज़रिए हमारा मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, इनको हमारा मैंडेट दिया गया, और ये अवामी लोग ही नहीं, ये अवाम का वोट ही इनके साथ नहीं, तो ये क्या अवामी बजट देंगे? ठीक है। अच्छा, कल आप बड़े वायरल रहे क्योंकि आप एहतजाज में सबसे ज़्यादा आगे थे, लेकिन एक सवाल जो यहाँ पे मेरा वो ये कि अभी बजट पेश भी नहीं हुआ था, आप लोगों की तरफ से पहले से एहतजाज किया जा रहा था और बजट को मुस्तरद किया जा रहा था, तो दुरुस्त रिवायत है ये? नहीं जी देखिए, असल में हम अपोजिशन लीडर हमारे जो थे वो बात करना चाह रहे थे पॉइंट ऑफ आर्डर के ऊपर, तो मसला असल में वहाँ से पड़ा कि इन्होंने जो वहाँ पे ये इन्होंने लेट किया बजट, तो हमें तो कुछ बताया नहीं गया। हमने क्या देखा बात करना चाह रहे थे उमर यूब साहब? बजट के हवाले से बात करना चाह रहे थे कि जी हमारा मौक़िफ़ आप सुने, उसके बाद फिर आप करें बजट लेट, लेकिन स्पीकर जो था उसने सब चीज़ें बुलडोज करके वज़ीर ख़जाना जो है उसको माइक दे दिया। अच्छा। तो फिर उसके बाद हमारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और हमारा प्लान था वैसे प्रोटेस्ट का, आगे भी करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे, इनको हम टफ टाइम देंगे। अच्छा, तो क्या मौक़िफ़ क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट के हवाले से? आप लोगों के दौर का बजट बेहतर था ज़्यादा? जी देखिए, सबसे मुश्किल दौर जो तहरीक इंसाफ का था वो कोविड के दौरान था। आप कोविड, जब कोविड आया पूरी दुनिया में लॉकडाउन हुआ, पूरी दुनिया जो थी वो बंद हो गई, तो उस टाइम कोविड के दौरान बहुत मुश्किल का हमें सामना था एज आ नेशन, एज आ मुल्क का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से हमने वो मुश्किल वक्त जो था वो बड़े बेहतरीन तरीके से गुजारा। इसके अलावा हमारा जब भी बजट हुआ करता था तो विद इन पार्टी भी हमारी इसके ऊपर डिस्कशन होती थी, और हमारी यही प्रायोरिटी रहती थी कि हम ज़्यादा टैक्सेस ना लगाएं आम उन मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर, कि जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी इफेक्ट हो। और हमें हमारी कोशिश ये रही हमारे बजट्स में कि हमने बाइट से जो चीज़ें आ रही थी उनके ऊपर बिल्कुल हमने भी टैक्सेस लगाया। ऐसा नहीं कि हमने टैक्सेस नहीं लगाया, लेकिन हमने वो पॉलिसी दी कि जिसके नतीजे में आपके पास आपके मुल्क में 30 अरब डॉलर तक आपके रेमिटेंसेस बढ़े। इसी तरह आपके जो तरक्की की शरह थी वो 5.6 पे पहुंच गई थी। तो ये वो तमाम इंडिकेटर्स थे, यही वो पॉलिसीज थी, यही हमारे वो बजट थे कि जिसके वो समरात थे। आज आपकी तरक्की जो है वो 0.7 पे आ गई है। तो अभी आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? इस बजट के खिलाफ एहतजाज करेंगे? नहीं, असल में एहतजाज तो हमारा इस गैर आइनी, गैर जमहूरी और गैर मुंतखब हुकूमत के खिलाफ है। सो यही जारी रहेगा अभी, या बजट के खिलाफ कुछ और करने जा रहे हैं? हमारे तीन नुकाती एजेंडा है, बड़ा सिंपल है। इमरान खान हमारी लीडरशिप जो जेलों में जिनको कैद ना हक में रखा हुआ है इस टाइम, और उनके ऊपर फेक FIRs है, सारे की सारी तमाम की तमाम सियासी FIRs हैं। इमरान खान, बुशरा बीवी, शाह महमूद कुरैशी साहब, हमारे जितने भी पंजाब के हमारे लीडरशिप है, हमारे ख़वातीन कारकुनान, हमारी वहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा, इन सब की रिहाई जो है ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड, 8 फरवरी को वोट लोगों ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दिया, और हमारे तकरीबन 190 प्लस हमारे नेशनल असम्बली की सीट्स थी। इसी तरह पंजाब असम्बली में हम तकरीबन 250-300 के करीब हमारी सीटें थी, उनके ऊपर ज़रब लगाया गया, हमारा वो मैंडेट चोरी किया गया। और नंबर 3, मुल्क में आइन की बहाली, कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, आइन बहाल हो, जो जिस शहरी के जो हकूक़ हैं वही हकूक़ उसको मिले। तो इन 3 जो हमारे शराइत जब तक ये पूरे नहीं होते, हमारे इनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी देता हूँ कि इनके दिन जो है वो गिने जा चुके हैं, अगले जो हैं वो इनसे हाथ खींच रहे हैं, और मेरे ख्याल में 2-2.5 महीने में ये नहीं होंगे। वजह क्या बन रही है हाथ खींचने की? वो इनका बोझ नहीं उठा पा रहे। तो फिर किसको लेके आएंगे? जी देखिए, ये नालायक और निकम्मे को तो उन्होंने मुसलत कर दिया। नुकसान किसका हुआ? तहरीक इंसाफ को नहीं, हमारी पॉपुलरिटी तो उससे ज्यादा हो गई। हमारी पॉपुलरिटी तो बड़ी तहरीक इंसाफ की। आज आप सर्वे करा लें पूरे पाकिस्तान में, आपको सबसे पॉपुलर जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है या नहीं है? वो तो काम ही नहीं करता ना, वो तो हमने 9 फरवरी को देख लिया था कि क्या होता है। अभी इलेक्शन दोबारा होने जा रहे हैं। जी देखिए, जब तक आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मसला इनको हमें तो नहीं है। हम तो बैठे हुए, आपने अभी मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दी ना कि ये हुकूमत नहीं चल पाएगी, हाथ उठा लिया गया और कुछ ही दिन इनके रह चुके हैं, तो दोबारा इलेक्शंस की तरफ जाएंगे फिर? नहीं, इसी असेंबली में हमें दोबारा अपना मैंडेट मिलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल जो है, मतलब PML-N या फिर हमारी जो अब ये गवर्नमेंट है PDM 2.0, ये गिव अप कर देगी, गिव अप करेगी और मैंडेट खुद ही आके आप लोगों के हवाले होगा। कैसे? अदालतों के जरिए हमें वापस मिलेगा, अदालतों के जरिए। आप लोग इतना बड़ा रिलीफ एक्सपेक्ट करते हैं? ट्रिब्यूनल की आपने बात की, इस्लामाबाद के तीनों ट्रिब्यूनल देख लें क्या हुआ उनके साथ, वो तो फैसला महफूज होने के बावजूद ने उसमें डिसीजन दिया, वो तो चले अलग डिबेट है ना, वो तो चले हाई कोर्ट अपना काम करेंगे, डिपेंडेंट उसी के ऊपर है। क्योंकि एक जज को केस लगा हुआ, ट्रिब्यूनल खुद ही इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई किए, उसके बाद दोबारा उन्होंने री नोटिफाई कर दिया कि नहीं ये जज नहीं, ये रिटायर्ड जज है, तो वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया हुआ है अभी इस्लामाबाद में। और जी देखिए, ट्रिब्यूनल में इतना लंबा काम नहीं है, ट्रिब्यूनल में सिर्फ फॉर्म 45 हमने टैली करने हैं। हाँ। जो फॉर्म 45 हमारे पोलिंग एजेंट्स को दिए गए पोलिंग स्टेशन में, वो फॉर्म 45 और जिनको जितवाया गया या इलेक्शन कमीशन की साइट के ऊपर जो फॉर्म 45 है उनको टैली करना है, बस सिर्फ सिंपल, इसमें कोई रिकाउंट नहीं है, इसमें कोई रीचेकिंग नहीं है, सिर्फ वो फॉर्म 45 देखने हैं, तो वो कोर्स का काम है, 10 मिनट का तो काम है। तो इस्लामाबाद वाले ट्रिब्यूनल्स में ये होने जा रहा है फिर, अभी ये होगा, पेशावर में भी इंशाल्लाह मिलेगा, वहाँ पे ट्रिब्यूनल्स के जो केसेस हैं वो भी शुरू हैं, इस तरह पंजाब में भी इंशाल्लाह मिलेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से भी कल इंपॉर्टेंट फैसले सामने आए ट्रिब्यूनल से मुतालिक की, सो रिटायर्ड जजेस की तैनाती वगैरह एक मसला है, ये ऑर्डिनेंस पेश होने के बाद ये इशू तो है, उसके बावजूद आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जुडिशरी इंशाल्लाह, जुडिशरी के ऊपर हमारे तमाम तवक्कोआत जुडिशरी से हैं, और जुडिशरी से आप लोगों को इतनी तवक्कोआत हैं कि री इलेक्शन के फेज में भी नहीं, उसके बगैर ही आप लोगों को मैंडेट मिल जाएगा? नहीं, हमारा है, वो मैंडेट था हमारा। अच्छा, पब्लिक ने तो हमें वोट दिया, आपकी मीडिया रात 12, 1, 2, 3 बजे तक क्या रिजल्ट शो कर रहे थे, पर सुबह जब उठे लोग तो रिजल्ट सारे चेंज, और ऐसे भी नहीं थे चेंज के मतलब कोई वोट के जरिए दानली की गई हो कि मतलब बक्सेस में आप वोट डाल दें, दानली भी इतनी आसान वाली कि जी बस किसी के सामने 1 लिख लो, किसी के सामने 0 लिख लो, और हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला, और ये इशू क्या है, किसी के जीरोस काट लो, किसी के जीरोस ऐड कर दो, सारे सब टेम्परिंग है, और इसका बोझ जो है वो किसके ऊपर? आपकी मईशत बेहतर नहीं होगी ना तो मुल्क कैसे चलेगा, आम लोग की जिंदगी पे क्या? कल आप देख रहे पार्लियामेंट हाउस के सामने हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट के लिए आए थे उधर, क्यों? क्योंकि आम जी देखिए, तीन क्लासेस थी पाकिस्तान में, एक अपर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। ये मिडिल क्लास जो है ये बीच में निकल गई है, और ये मजीद भी निकल जाएगी। या अपर क्लास होगा जो अशराफिया है इस मुल्क का, और या अशराफिया तो फलता फूलता ही जा रहा है, अशराफिया तो फलता फूलता जा रहा है, उनके तो मजे। अच्छा, वैसे अगर गवर्नमेंट से हाथ उठा लिया गया है, उन बैसाखियाँ अगर छुड़वा ली गई हैं, तो इसकी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि फिर आप लोगों को अगर लेकर आना है, आप लोगों को आपका मैंडेट वापस मिलना है बकौल आपके, तो मुज़ाकरात तो एटलीस्ट मतलब दिखावे के लिए सही लेकिन होने चाहिए। आप लोगों के साथ तो वो भी नहीं हुए अभी। जी देखिए, इमरान खान साहब जो है उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, और तहरीक इंसाफ का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस हवाले से कि हम पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं, लेकिन हम मुअस्सर मुज़ाकरात चाहते हैं। मौसर का मतलब ये कि जो हमारे मुतालबात हैं, जिनके पास इख्तियार तो हो कि वो हमारे मुतालबात को पूरा तो कर सके। अभी जो रिसीविंग एंड पे है, जिनको फ़ायदा पहुंचा है, क्या ये इतने अच्छे हैं कि जी हमारे ऊपर ये तनकीद का पॉलिटिकल जमातों के साथ आप डायलॉग्स नहीं करते। अच्छा, मुस्लिम लीग नून वाले इतने अच्छे होंगे कि हमारी जो वजारत उज़्मा की जो पोजीशन है प्राइम मिनिस्टर की, वो हमें वापस दे देंगे, पंजाब में चीफ मिनिस्टरशिप हमें वापस दे देंगे। वो तो रिसीविंग एंड पे है। तो यही हम बार बार कह रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ मुज़ाकरात करेंगे जो 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 मुअस्सर हो, जो जो मतलब उनके पास इख्तियार भी हो, वो कर भी सके। और सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकमेंडेशन दी लास्ट टाइम, उन्होंने ऑफर की कि आप लोग मुज़ाकरात करें, तो इमरान खान साहब जो है वो लेटर लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, और जुडिशरी नमाजी ने भी अपना रोल प्ले किया। किस बारे में लेटर लिख रहे हैं? ये लेटर मुज़ाकरात के हवाले से लेटर लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे 2 केसेस सुप्रीम कोर्ट में बड़े इंपॉर्टेंट है जो अभी तक नहीं सुने गए। एक 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से और दूसरा 9 मई के तहकीकात के हवाले से। तो लास्ट टाइम भी इमरान खान साहब जब अपेयर हुए थे, उन्हें रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस साहब को कि उन 2 को भी इंटरटेन किया जाए, और हमारे वकला ने भी कोई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त जो है वो दी हुई है। तो हमारे वो 2 इम्पॉर्टेंट केसेस भी हैं। तो इमरान खान साहब जो है बड़ा तफसीली तौर पे लेटर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, तो उस पर तमाम चीज़ें जो है वो कौम के सामने। अच्छा, आप लोगों ने ये फैसला भी किया, महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में ही परसों ही बल्कि ग्रीन सिग्नल दिया गया मुज़ाकरात के लिए, उनको सरबराही सौंपी गई इमरान खान की जानिब से कि मुज़ाकरात जाके करें, लेकिन महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के हैं कि पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ डायलॉग होना चाहिए और वो इसमें माहिर भी हैं, तो वो तो पोलिटिकल पार्टीज़ के पास ही जाएंगे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी देखिए, एक ये हमारे जो अलायंस बनी है अपोजिशन की मुश्तरका, तो महमूद खान अचकज़ई साहब हेड कर रहे हैं उस अलायंस को बेशक, तो अगर वो पॉलिटिकल जमातों के साथ बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आप पॉइंट पिक करें कि जिनके साथ पॉलिटिकल जमातों के साथ हम बात करेंगे वो रिसीविंग एंड पे उनको दिया गया है, उनको मिला है, तो जब आप रिसीविंग एंड में हो, आप मुझे गिलास दे दें, मुझे इससे गर्ज नहीं कि चोरी का है या ये अपने पैसों से आपने लिया है और आप वापस नहीं करेंगे वो ग्लास, मुझे दे देंगे, क्यों आपको वो ग्लास वापस करूंगा। तो ये टेक्निकल पॉइंट है। तो फिर महमूद खान अचकज़ई अगर पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाते हैं तो वो आप लोगों की तरफ उसको ये कंसिडर किया जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचने के लिए वो गेटवे है। जी देखिए, एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी क्या लड़ाई है, हमारे तो कोई जंग नहीं, लड़ाई नहीं, लेकिन मुज़ाकरात के लिए उनको लेकर भी तो आना है। देखिए एस्टेब्लिशमेंट, हमारा एस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर एतराज़ है कि सियासत में उनका जो रोल है हमारा उनके ऊपर एतराज़ है, या ख्वाह वो हमारे लिए किया गया है माजी में या किसी के लिए भी किया है माजी में, इस रोल के ऊपर हमें एतराज़ है। ये इनका काम नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट का ये काम नहीं है कि आप मखसूस जमातों को। अच्छा, उसूली तौर पर फिर ये बात आपको वैसे पोलिटिकल पार्टीज के साथ ही डिस्कस करनी चाहिए कि डिफाइंड। जी देखिए, ये क्या चीख रहे थे इन 2018 में, ये क्या कह रहे थे ये पीडीएम वाले कि जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है, हालांकि उस टाइम भी हमारा मौक़िफ़ ये था, हमें 32-33 सीटों के ऊपर 500 से कम वोट मार्जिन पे हराया गया था, लेकिन उस टाइम हम चाह रहे थे कि गवर्नमेंट बने, मुल्क आगे जाए, हमें अब पब्लिक ने मैंडेट दिया है ताकि हम उस मैंडेट के मुताबिक ही डिलीवर करें, हम अपना काम करें। जी देखिए, तारीख याद रखिएगी इमरान खान साहब की, ये 3-3.5 साल की जो गवर्नमेंट थी, ये गोल्डन एरा होगा इस मुल्क का, हमें खुद भी नहीं समझ आ रहा है सीरियस। जब ये हम भी क्रिटिसिज्म करते थे विदिन पार्टी कि जी महंगाई हो गई और ये चीज़ें, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि वो हमें बताते थे, हमें कन्विंस करते थे हमारे लीडर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे कि जी आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि हम इस मुल्क को ट्रैक के ऊपर ले आए, हम पटली पर हमने रेलगाड़ी चढ़ा दी है और इंशाल्लाह ये आगे जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से जब एक गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उस टाइम जब आपकी मईशत या नीचे की तरफ जानी थी या उसने फ्लाई करना था, बिल्कुल वो रनवे के ऊपर थी, उसी टाइम छोरा गोंद दिया प्राइम मिनिस्टर की पीठ में और अच्छी भली गवर्नमेंट जो थी वो गिरा दी। सही। अच्छा, अभी हमारी गुफ्तगू जारी है नाज़रीन, गुफ्तगू आप सुन रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे अभी हम, और ब्रेक के बाद भी जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो किस तरफ जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर इस वक्त स्टैंड करती है, और इंपॉर्टेंट केसेज जैसे इद्दत केस रह गया फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद क्या होने जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद।